नमस्कार। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिक संस्थान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मैं पीएम एफएम योजना के क्षमता निर्माण गतिविधि की ओर से ज्वार फ्लेक्स बनाने के प्रसंस्करण पर वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। ज्वार के विविध फसलों में सोरगम ज्वार, मोती ज्वार, उंगली ज्वार और छोटे ज्वार शामिल होते हैं, जैसे कि फॉक्सटेल ज्वार, प्रोसो ज्वार, कोदो ज्वार, छोटा ज्वार और बर्नार्ड ज्वार। ज्वार में गेहूं और चावल की तुलना में अधिक प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और खनिज समाविष्ट होते हैं। सोरगम जैसे ज्वार को फ्लेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो रोज के आहार में चावल के फ्लेक्स से ज्यादा पौष्टिकता प्रदान करे। फ्लेक्स नरम बनावट वाली होती है और ठंडा या गर्म पानी छिड़कने के बाद आसानी से हाइड्रेट हो जाते हैं और विविध मसालों के साथ पकाए जाए तो बहुत स्वादिष्ट स्नैक्स या नाश्ते का व्यंजन बना सकते हैं। सोरगम ज्वार के फ्लेक्स का उपयोग मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे कि नमकीन, स्वस्थ और पौष्टिक नाश्ता बनाने में किया जा सकता है। सोरगम या ज्वार की फसल मिट्टी की विस्तृत श्रृंखला में खिलती है, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में अच्छी जल निकासी होने के कारण वह अच्छे से खिल सकती है। सोरगम खेती के लिए मिट्टी की 6 से 7.5 पीएच आदर्श रेंज होती है। योग्य समय में फसल को काटा जाता है और अनाज को पुराने तरीकों से अलग किया जाता है। सोरगम ज्वार के फ्लेक्स की तैयारी के लिए आवश्यक उपकरण है यूराली रोस्टर, पपड़ियां बनाने की मशीन, गर्म हवा की ओवन। क्षेत्र, बात करते हैं सोरगम की फ्लेक्स तैयार करने के लिए आवश्यक संयंत्र की जगह के बारे में। इस इकाई को स्थापित करने के लिए न्यूनतम 500 वर्ग फुट के क्षेत्र की आवश्यकता होती है। फ्लेक्स बनाने की प्रक्रिया, इष्टतम नमी वाले साफ किए गए सोरगम को तोला जाता है, फिर धूल और गंदगी हटाने के लिए उन्हें पानी के साथ धोया जाता है। धोए हुए सोरगम को छिद्रित बर्तन के जरिए छान लिया जाता है। अब उसे स्वच्छ पीने योग्य पानी में लगभग 5 घंटों के लिए भिगोया जाता है। 5 घंटे बाद ज्वार से पानी अलग कर दिया जाता है। ये भिगोए हुए सोरगम अब उराली रोस्टर की मदद से 10 मिनटों के लिए 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भून लिए जाते हैं। एक समान भूनना और 18% से कम नमी की मात्रा का उचित ध्यान रखना चाहिए। भुना हुआ सोरगम एकत्रित किया जाता है और 10 मिनट के लिए ठंडा किया जाता है। भुने हुए सोरगम को फ्लेक्स बनाने की मशीन में डाला जाता है। सोरगम ज्वार के जो फ्लेक्स प्राप्त होते हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है और एक समान फ्लेक्स और छोटे पाउडर के कणों को अलग करने के लिए जालीदार ट्रे में फैला दिया जाता है। नमी को कम करने और स्थिरता बढ़ाने के लिए फ्लेक्स को 55 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए ओवन में सुखाया जाता है। सूखे सोरगम के फ्लेक्स को कमरे के तापमान पर सुखाया जाता है और एयरटाइट कंटेनर जैसे कि ग्लास जार, पॉलीथिन और एल्यूमिनियम में पैक किया जाता है। अब तक हमने सोरगम ज्वार के फ्लेक्स के आधुनिक प्रसंस्करण को देखा है। अब हम नजर डालते हैं नमकीन बनाने की तैयारी पर। नमकीन एक छोटा व्यंजन है जो मुख्य रूप से खारा और मसालेदार होता है। फ्लेक्स, विशेष रूप से सोरगम के फ्लेक्स आदर्श नमकीन बनाए जा सकते हैं। स्वादिष्ट नमकीन बनाने के लिए फ्लेक्स को विविध मसालों के साथ मिलाया जाता है। सोरगम फ्लेक्स से नमकीन घर पे ही बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। अब तक हमने
सोरगम के फ्लेक्स के आधुनिक प्रसंस्करण वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रसंस्करण योजना के आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत देखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उन्नयन के लिए तथा वित्तीय तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है। पीएम एफएमई योजना के दिशा निर्देशों विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विवरणों के वीडियो और डीपीआर के लिए कृपया हमारे वेब लिंक पर जाएं।